अस्सलाम वालेकुम, वी विल स्टार्ट विद मेमरी ग्लैंड्स टुडे। ठीक है, मेमरी ग्लैंड्स दीज आर स्पेशलाइज्ड क्यूटेनियस ग्लैंड्स जो कि सब क्यूटेनियस टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एंड इनका फंक्शन ये होता है कि दे सीक्रेट मिल्क फॉर न्यू बॉर्न। ठीक, अब उसके जो डेवलपमेंट है उसके स्टेजेस में, कि चाइल्डहुड में भी उसकी डेवलपमेंट है लेकिन स्लाइट डेवलपमेंट है इन बोथ जेंडर्स, लेकिन प्यूबर्टी की स्टेज पे मेल्स के अंदर प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट होता है और वो मेमरी ग्लैंड की डेवलपमेंट को इनहिबिट कर देता है। ठीक, लेकिन फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजन सीक्रेट होता है, वो उसकी फर्दर डेवलपमेंट करवाता है मेमरी ग्लैंड्स की। एस्ट्रोजन के इफेक्ट में क्या होता है कि एडिपोस टिश्यू की मज़ीद उसके अंदर डिपोजिशन स्टार्ट होती है मेमरी ग्लैंड्स में। ठीक, और जो भी डक्ट सिस्टम है उनकी ब्रांचिंग होती है और वो अल्टीमेटली कम्प्लीट होकर एक मेच्योर मेमरी ग्लैंड प्रोड्यूस कर देती है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ द मेमरी ग्लैंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊँ कि ये मेमरी ग्लैंड है। ठीक है, इसमें सबसे पहले इसको हम डिवाइड करते हैं लोब्स और लोब्यूल्स के अंदर। ठीक है, ये जो है एक पोर्शन, दिस इज़ वन लोब, दिस इज़ अदर लोब, दिस इज़ नेक्स्ट लोब। ठीक है, ये सारे लोब्स हैं और एक मेमरी ग्लैंड में 15 to 20 लोब्स होते हैं। ठीक, अब लोब्स के अंदर मज़ीद लोब्यूल्स होते हैं। ये एक लोब है, इसके अंदर ये वाला जो पोर्शन है दिस इज़ लोब्यूल, ये पोर्शन लोब्यूल है, इसी तरह ये वाला लोब्यूल। ठीक है, अब वो ये कहते हैं कि जो एक लोब है पूरा उसे ट्यूबुलो एसिनर ग्लैंड भी कह सकते हैं। ठीक है, ट्यूबुलो एसिनर ग्लैंड कैसा होता है इसको हम रिवाइज करते हैं ग्लैंड की टाइप्स को। तो एक होता है सिंपल ग्लैंड, एक होता है कंपाउंड ग्लैंड। ठीक है, बेस्ड ऑन कि वो आगे से ब्रांचिंग देगा या नहीं। सिंपल ग्लैंड में सिर्फ ये एक उसका पोर्शन है, जबकि कंपाउंड ग्लैंड में फर्दर मज़ीद ब्रांचिंग होगी, बहुत ज़्यादा से एसिनाए बन जाते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये है कि अगर उसका जो सिक्रेटरी पोर्शन है वो उसमें किस तरह के सेल्स हैं, वो किस शेप का है। अगर वो ट्यूबुलर होगा तो उसे हम ट्यूबुलर ग्लैंड कहेंगे, अगर वो सैक लाइक होगा तो उसे हम एसिनर कहेंगे, और अगर उसमें ट्यूबुलर और सैक लाइक दोनों ही क्वालिटीज़ होंगी तो उसे हम ट्यूबुलो एसिनर कहेंगे। ठीक है, तो जो मेमरी ग्लैंड का हर लोब है दैट बेसिकली इंडिविजुअली वो ट्यूबुलो एसिनर ग्लैंड के तौर पे काम करता है। ठीक है, कि वो इस तरह का होगा कि जो भी लैक्टिफेरस डक्ट है, जो मेन डक्ट होती है, वो आएगी, वो आगे डिफरेंट ब्रांचेस देगी जिसे हम टर्मिनल डक्ट कहेंगे, वो ब्रांचेस आगे से ये एसिनस बना देगी। ठीक हो गया, सो ये डक्ट है और ये एसिनस, इस तरह का जो है वो लोब, ये दिस इज़ वन लोब। ठीक है, इस तरह का लोब प्रेजेंट होगा मेमरी ग्लैंड के अंदर। यहाँ पे भी फिगर देख सकते हैं, दिस इज़ कंपाउंड ट्यूबुलो एसिनर वेराइटी। ठीक है, कि डक्ट आई, उसने मजीद ब्रांचिंग दी, आगे से लोब बन गया, ये एक लोब है, ये दूसरा लोब है, ये एक लोब। ठीक है, तो इसी तरह मैं आपको बता रही हूँ कि सॉरी, ये लोब नहीं है, ये लोब्यूल है। ठीक, ये एक लोब्यूल होगा, ये नेक्स्ट अगला और ये अगला। ठीक है, सो बेसिकली मेमरी ग्लैंड को हमने डिवाइड किया था सबसे पहले लोब्स के अंदर। ठीक है, तो ये इसके जो पोर्शंस हैं 15 to 20 लोब्स होते हैं, लोब्स के अंदर फर्दर जो पोर्शंस हैं उसे हम कहते हैं लोब्यूल्स। ठीक, और हर लोब एक ट्यूबुलो एसिनर ग्लैंड है, यानी कि एक डक्ट आती है, आगे से वो डिफरेंट ब्रांचेस देती है और अल्टीमेटली एसिनाए बन जाते हैं। ठीक है, तो वन लोब कंसिस्ट ऑफ मैनी लोब्यूल्स। ठीक है, और लोब्यूल्स के अंदर सिक्रेटरी यूनिट्स यानी एसिनाए प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द मेमरी ग्लैंड। और अगर एक लोब्यूल को हम खोल के देखें, दिस इज़ वन लोब्यूल, राइट। इस लोब्यूल को अगर हम मज़ीद ओपन करें तो इसका इस तरह का स्ट्रक्चर होगा कि ये एक डक्ट होगी और इसके ऊपर जो पोर्शन है इसे हम डक्ट्यूल भी कहते हैं या फिर इसे हम एसिनस भी कहते हैं। ठीक है, सो बेसिकली ये जो सेल्स होते हैं उन्होंने सिक्रीशन प्रोड्यूस करनी है, वो आगे से डक्ट में और अल्टीमेटली वो लैक्टिफेरस डक्ट में चली जाती है। ठीक है, नाउ देयर इज़ अ टर्म विच इज़ नॉन एज टर्मिनल डक्ट लोब्यूलर यूनिट। टर्मिनल डक्ट लोब्यूलर यूनिट क्या चीज़ होती है कि एक लोब्यूल और उसके साथ एसोसिएटेड जो उसकी डक्ट है टर्मिनल डक्ट। ठीक है, एक्स्ट्रा लोब्यूलर, हमारे पास दो किस्म के डक्ट होती हैं, एक जो लोब्यूल के अंदर ही कनेक्ट करी होती है उन्हें हम इंट्रा लोब्यूलर कहते हैं, और जो लोब्यूल के बाहर डक्ट होती है उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा लोब्यूलर। ठीक है, या टर्मिनल डक्ट। तो टर्मिनल डक्ट प्लस दैट लोब्यूल मेक्स टर्मिनल डक्ट लोब्यूलर यूनिट। ठीक, अच्छा जी, अब जो सेगमेंटल डक्ट होती है या फिर टर्मिनल डक्ट, ठीक है, जो कि कनेक्ट कर रही होती है उसको, लोब्यूल को कनेक्ट कर रही है, वो अपनी सिक्रीशन दे देती है लैक्टिफेरस डक्ट में, लैक्टिफेरस डक्ट अपनी सिक्रीशन दे देगी लैक्टिफेरस साइनस में, और वो आगे से सिक्रीशन पास करेगी इंटू निप्पल। ठीक, अच्छा जी,
अब हम देख लेते हैं कि स्किन ऑफ निप्पल और एरियोला में क्या क्या फीचर्स हैं इसके एपिडर्मिस और डर्मिस। एपिडर्मिस इज़ हाईली पिगमेंटेड, ठीक है, इसमें पिगमेंटेशन ज़्यादा है। डर्मिस में पैपुलर प्रेजेंट होते हैं, यानी प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है, और स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं। स्मूथ मसल फाइबर्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, निप्पल की एलिवेशन होती है। स्किन ऑफ एरियोला में हेयर्स हैं, ठीक है, कोर्स हेयर्स, देन सेबेशियस एंड स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं। एरियोलर ग्लैंड्स, ठीक है, दीज आर मॉडिफाइड मेमरी ग्लैंड्स। इनका ये काम होता है कि ये सिक्रेटरी ये फैटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं जो कि एरियोला को प्रोटेक्ट करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लैक्टेशन। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास ये है कि इसके अंदर सेंसरी नर्व एंडिंग्स भी इसकी स्किन में होती हैं। अच्छा, अब मेमोरी ग्लैंड का जो हर ग्लैंड का हम बेसिक कहते हैं कि हर ग्लैंड के दो पोर्शंस होते हैं, पैरेन्काइमा एंड स्ट्रोमा। ठीक है, व्हाट इज पैरेन्काइमा? पैरेन्काइमा मींस के मेन बल्क एक ग्लैंड का, कि वो किस किस्म के सेल्स से मिलके बना है, उन सेल्स की एपिथेलियम कैसी है, इन चीज़ों को स्टडी करते हैं। जबकि स्ट्रोमा मींस द कनेक्टिव टिश्यू और द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स जो उस पूरे बल्क को सपोर्ट कर रहे होते हैं। ठीक, ओके जी, पैरेन्काइमा में मैं आपको बता देती हूँ कि जो अभी मैंने आपको एक टर्म बताई, टर्मिनल डक्ट लोब्यूलर यूनिट, ठीक है, वो क्या होती है, दोबारा इसको मैं बताती हूँ कि लैक्टिफेरस डक्ट है ये आई, ठीक है, इसने आगे से दी टर्मिनल डक्ट। टर्मिनल डक्ट की होंगी डिफरेंट ब्रांचेस और वो ब्रांचेस अल्टीमेटली आगे डायलेशंस प्रोड्यूस करेंगी जिन्हें हम कहेंगे एल्वोलाई या फिर एसिनाई। ठीक, कि ये एक आ गई लैक्टिफेरस डक्ट, ठीक है, उसने आगे से दी टर्मिनल ब्रांचेस, टर्मिनल ब्रांचेस ने मजीद ब्रांचेस दी और आगे से उसने कोइल्ड स्ट्रक्चर्स बना दिए जिसे हमने कह रहे हैं एसिनस। ठीक है, तो एसिनस अपने सिक्रीशंस जो प्रोड्यूस करती है इनटू द ल्यूमेन, वो आ जाती है उस डक्ट के ल्यूमेन में, जिधर से टर्मिनल डक्ट में आ जाती है लैक्टिफेरस डक्ट में और अल्टीमेटली निपल के अंदर आ जाती है। ठीक है, सो देयर इज़ अ टर्म विच इज़ नॉन एज टर्मिनल डक्ट लोब्यूलर यूनिट, जो भी मैंने आपको बताया वो क्या चीज़ है, टर्मिनल डक्ट, ठीक है, उसकी आगे से ब्रांचेस प्लस दैट एसिनस जिसने सिक्रेशन प्रोड्यूस करनी है, इन तीनों चीज़ों को मिला के हम कहते हैं टर्मिनल डक्ट लोब्यूलर यूनिट। ठीक है, तो पैरेन्काइमा में बेसिकली जितनी भी सारी डक्ट्स हैं वो इसके अंदर आ जाती हैं। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो ये सारी डक्ट्स हैं, ठीक है, लैक्टिफेरस डक्ट है, एल्वोलाई है, टर्मिनल डक्ट है, इन सब में एपिथेलियम सिंपल की बॉर्डर होती है। इन सब का यही बेसिक स्ट्रक्चर है कि बाहर बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ल्यूमिन की तरफ जो एपिथेलियम विच इज़ नॉन ए सिंपल की बॉर्डर एपिथेलियम। लेकिन एल्वोलाई और टर्मिनल डक्ट्स में जो एल्वोलाई है, जो एसिनाई है और जो टर्मिनल डक्ट्स है, स्पेसिफिकली उन दोनों के अंदर देर आर स्पेशलाइज मायोएपिथेलियल सेल्स विच आर प्रेजेंट बिटवीन बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड सिंपल की बॉर्डर एपिथेलियम। ठीक है, कि बॉर्डर एपिथेलियम और बेसमेंट मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट है ही, लेकिन उसके साथ साथ उन दोनों के बीच में मायोएपिथेलियल सेल्स की एक लेयर भी है और उसके कॉन्ट्रैक्शन जब होती है अंडर द इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन, तो उसकी वजह से सिक्रीशंस जो है वो रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो दिस इज पैरेन्काइमा, कि इसमें कौन कौन सी डक्ट्स हैं, कौन कौन सी एपिथेलियम है। नेक्स्ट देयर इज स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में सारे इंटरकनेक्टिव टिश्यू, सारे हम कनेक्टिव टिश्यू को देखेंगे कि कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपने ये देखना है कि मैंने बताया था कि इसको लोब्स में हमने डिवाइड किया, लोब्स में फर्दर फिर लोब्यूल्स आ जाते हैं, लोब्यूल्स में फर्दर डक्टियूल्स और डक्ट्स आती हैं। ठीक है, अब कनेक्टिव टिश्यू जो कि लोब्स को सेपरेट कर रहा है, दैट इज़ नॉन एज इंटरलोबर कनेक्टिव टिश्यू, और जो लोब्यूल्स को सेपरेट कर रहा है, दिस इज़ वन लोब्यूल, दिस इज़ अदर लोब्यूल, लोब्यूल को सेपरेट कर रहा है, दैट इज़ नॉन एज इंटरलोब्यूलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब ये जो इंटर वाले दोनों कनेक्टिव टिश्यू हैं, ये डेंस इरेगुलर होते हैं और इनके साथ साथ जो है वो इसमें एडिपोज टिश्यू भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, और एक लूज कनेक्टिव टिश्यू भी प्रेजेंट होता है जो कि स्ट्रोमा कॉन्स्टिट्यूट कर रहा होता है, जो ये डक्ट है। ठीक है, अभी मैंने बताया कि टर्मिनल डक्ट आई, उसकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं जो कि आगे से एसिनाई बना रही हैं। ठीक है, तो जो कनेक्टिव टिश्यू इस टर्मिनल डक्ट को, इसकी ब्रांचेस को और एसिनाई को सराउंड कर रहा है, दिस कनेक्टिव टिश्यू इज़ नॉन एज इंट्रा लोब्यूलर कनेक्टिव टिश्यू। इंट्रा लोब्यूलर क्यों कह रहे हैं, कि एक लोब के अंदर, ठीक है, एक लोब के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, वो उसको सराउंड कर रहा है एक लोब को, ठीक है, उसके कंपोनेंट्स को, इसलिए से हम इंट्रालोब्यूलर कहते हैं। बेसिकली ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो मैंने आपको तीन तरह के कनेक्टिव टिश्यू बताए हैं जो कि स्ट्रोमा बना रही हैं। एक इंटरलोबर है जो लोब्स को सेपरेट करे, एक इंटरलोब्यूलर है जो लोब्यूल्स को सेपरेट करे, ये दोनों डेंस में आते हैं। फिर एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि लोब के अंदर जो डक्ट्स हैं और जो एसिनाई हैं उनको सराउंड कर रहा है बेसिकली, तो वो आपके पास है लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड इट इज़ रिच इन कोलेजन फाइबर्स। ठीक, ओके जी, नेक्स्ट हम आ जाते हैं वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरिएशंस इन मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड में ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस क्या क्या
फीचर्स आते हैं, ठीक है, डक्ट्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं, एपिथेलियल सेल्स में क्या चेंजेस आते हैं, उन सेल्स के साइटोप्लाज्म में क्या चेंज आता है, ये सब हम इसके अंदर देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इनएक्टिव मेमोरी ग्लैंड कैसा होता है, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैसा होता है, देन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लैक्टेशन मेमोरी ग्लैंड की क्या सिचुएशन होती है, आफ्टर लैक्टेशन एंड आफ्टर मेनोपॉज, ठीक। सो एक एक को स्टडी करते हैं। सबसे पहले इनएक्टिव मेमोरी ग्लैंड। ओके जी, इसमें क्या होगा कि जो टर्मिनल डक्ट है ना, उसकी ब्रांचेस होंगी आगे से ऐसे ना, या अभी नहीं बने होंगे, या बने भी होंगे तो वो बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। मैंने बताया था कि लैक्टिफेरस डक्ट है, उसने टर्मिनल ब्रांचेस दी, वो टर्मिनल ब्रांचेस आगे से उसने मजीद ब्रांचेस दी और वो जाकर डायलेशन उसने प्रोड्यूस की, जिसे हमने कहा एसिनाई, ठीक है। तो इसमें ये है कि यहाँ तक स्टेज है, टर्मिनल डक्ट ने आगे से अपनी ब्रांचेस तो दे दी उसमें सिंपल की बॉडी एपिथेलिया में, लेकिन अभी तक एसिनस जो है ये नहीं बना, ठीक। तो ऐसे नए बहुत कम होते हैं या फिर एबसेंट होते हैं। लेकिन जो कनेक्टिव टिश्यू है हर किस्म का, वेदर इट इज़ इंटरलोब्यूलर, इंट्रालोब्यूलर या फिर इंटरलोबर, ये सारे कनेक्टिव टिश्यू जो तीनों किस्म के केस में अबंडेंट होंगे इनएक्टिव मेमोरी ग्लैंड। इनएक्टिव मेमोरी ग्लैंड की ये स्लाइड होगी, ठीक है। ओके जी, इसके अंदर यू कैन सी फैट, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू बाहर प्रेजेंट है लार्ज अमाउंट में, ठीक। ये डक्ट सारी प्रेजेंट हैं, टर्मिनल डक्ट्स जो मैंने बताया उसकी ब्रांचेस प्रेजेंट हैं, लेकिन अभी तक एल्वोलाई या फिर एसिनाई बहुत कम क्वांटिटी में आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द इनएक्टिव मेमोरी ग्लैंड। एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेमोरी ग्लैंड में क्या चेंजेस आते हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देर इज़ रिलीज ऑफ सर्टेन हार्मोन्स, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड प्रोलैक्टिन। अब हम तीन स्टेजेस में इसको देखेंगे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में एंड थर्ड में। फर्स्ट में क्या होता है कि जो टर्मिनल डक्ट्स हैं उसके सेल्स प्रोलीफरेट करना शुरू करेंगे और वो ऐसे नए बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। वो सेल्स प्रोलीफरेट करेंगे, वो लॉन्गेट होंगे, ब्रांचिंग होगी और अल्टीमेटली ऐसे नए जो है वो डिवेलप होंगे प्रॉपरली, सेकेंड ट्राइमेस्टर में वो डिवेलप हो जाएंगे, ठीक। उस पर एपिथीलियम होगी, सिंपल की वर्डल एपिथीलियम, साथ ही एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होगा कि जो लिम्फोसाइट्स हैं, जो प्लाज्मा सेल्स हैं, ठीक है, जिन्होंने एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करनी है, वो इंट्रालोब्यूलर कनेक्टिव टिश्यू, मतलब जो लोब्स को सराउंड कर रहा था कनेक्टिव टिश्यू, उसके पास आ जाएंगे, ताकि जो भी सिक्रीशन प्रोड्यूस हो वो प्लाज्मा सेल्स और लिम्फोसाइट्स उसके अंदर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर सकें और वो अल्टीमेटली मिल्क के अंदर ऐड हो जाए, ठीक। ओके जी, थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि टर्मिनल डक्ट्स और ऐसे नए अब मेच्योर हो चुके हैं, ठीक है। पिछले उसमें ट्राइमेस्टर में बंद तो गई थी, लेकिन अभी मजीद वो मेच्योर होंगे, इसके जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो भी बड़े हो जाएंगे। साइटोप्लाज्म में ये चेंजेस आएगा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स मजीद जो है वो डिवेलप होगा, लिपिड ड्रॉपलेट्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, सिक्रीटरी ग्रैन्यूल्स ज़्यादा होंगे, मायोएपिथेलियल सेल्स ज़्यादा होंगे क्योंकि सिक्रीशन प्रोड्यूस करनी है, और कनेक्टिव टिश्यू कम होगा जिसको कंपनसेट करने के लिए सिक्रीटरी यूनिट्स यानी कि एसिनाई का नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ द स्लाइड ऑफ मेमोरी ग्लैंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। एल्वोलाई हैं, प्रॉपरली डिवेलप हुए हुए हैं, ठीक है, साथ कनेक्टिव टिश्यू इतनी ज़्यादा अमाउंट में नहीं नज़र आ रहा, ठीक, और ये आपके पास है सेप्टा एंड ये सारे डक्ट्स, ठीक। ड्यूरिंग लैक्टेशन ओके जी, चाइल्ड बर्थ के बाद क्या होता है कि प्रोलैक्टिन रिलीज होता है, और वो प्रोलैक्टिन क्या करता है, मिल्क को सिक्रेट करवाएगा, ठीक। वो मिल्क सिक्रेट होगा एसिनाई के यानी एसिनस के ल्यूमिन के अंदर वो एक्यूमुलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से एसिनाई डिस्टेंडेड हो जाएंगे और वो सेक्यूल्स की फॉर्म में नज़र आएंगे, काफ़ी प्रोमिनेंट डिस्टेंडेड स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे। ओके जी, एपिथेलियल लाइनिंग इसकी हो जाएगी लो क्यूबॉइडल या फिर स्क्वेमस हो जाएगी, साइटोप्लाज्म में फैट ड्रॉपलेट्स ज़्यादा होंगे, मिल्क प्रोटीन के ग्रैन्यूल्स होंगे, ठीक। इंट्रालोब्यूलर डक्ट्स जो हैं वो बिल्कुल एसिनाई जैसी ही लग रही होंगी और दे आर नॉन एज ट्रू सिक्रेटरी डक्ट्स। सो दिस इज़ द स्लाइड ऑफ द मेमोरी ग्लैंड ड्यूरिंग लैक्टेशन, ठीक है, कि ये मैंने आपको बताया कि इसके अंदर इतना मिल्क प्रोड्यूस हो जाएगा, सिक्रेट हो जाएगा, कि ये बिल्कुल सिक्यूल्स की फॉर्म में अपीयर होंगे, ठीक है। और ये इसके जो एपिथेलियम है वो लो क्यूबॉइडल या फिर स्क्वेमस तक हो जाती है और बाकी डक्ट्स इतनी प्रोमिनेंट नहीं है। ओके जी, मिल्क क्या है, मिल्क इज़ ओपेक वाइट फ्लूइड, इसके अंदर क्या है, वाटर, लिपिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिंस, लैक्टोफेरिन, लाइसोजाइम, सिक्रेटरी आईजीए, ठीक। सो वाटर है, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, सर्टेन टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिंस, प्रोटीन्स, लैक्टोफेरिन, लाइसोजाइम और आईजीए एंटीबॉडीज के अंदर प्रेजेंट होते थे मिल्क की कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ वेज ऑफ सिक्रीशन, मिल्क के अंदर कौन से प्रोडक्ट्स किस तरह सिक्रीट होते हैं, देयर आर थ्री वेज ऑफ सिक्रीशन, ठीक है। ग्लैंड्स जो अपनी सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं उसके तीन तरीके होते हैं, मीरोक्राइन,
एपोक्राइन होलोक्राइन, ठीक है। मीरोक्राइन का ये मतलब होता है कि जो सिक्रीटरी प्रोडक्ट है वो ग्लैंड से रिलीज होगा और सेल का, जो सेल उसको सिक्रीट कर रहा है उस सेल का अपना पार्ट लॉस नहीं होता, ठीक। एपोक्राइन का मतलब है कि जो सेल सिक्रीट कर रहा है किसी भी ख़ास चीज़ को, उसके साइटोप्लाज्म या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का थोड़ा सा पार्ट लॉस्ट हो जाता है उसके साथ ही, ठीक है। एंड एक और कैटेगरी होती है जिसको हम साथ ही देख लेते हैं, ऑल्दो यहाँ पे नहीं है, होलोक्राइन। होलोक्राइन में ये होता है कि वो पूरा का पूरा सेल ही